दोस्तों, डीवीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कोणों की सारणी के विषय में चर्चा करेंगे। और कोणों की सारणी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वह 10 के क्लास का स्टूडेंट हो, 11 क्लास स्टूडेंट हो और 12 क्लास स्टूडेंट हो। तो जहां पे कोणों की सारणी मिलती है प्यारे बच्चों, उस जगह हम लोग फार्मूले के अतिरिक्त अगर याद नहीं रहता है तो हम लोग कोणों की सारणी में डिफीट खा जाते हैं, हमें परेशानियां होती हैं प्यारे बच्चों। तो कोणों की सारणी याद ना करके हम यदि उसको निकालना सीख लें तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। हम एक आसान तरीके से आपको कोणों की सारणी को हल करना सिखाएंगे। और वह सारणी हल करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, कोणों की सारणी ज्ञात करना। हम लोग कैसे कोणों की सारणी को ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, इस चीज को देखना है। कोणों की सारणी कैसे ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें किसके मानों को ज्ञात करना है। तो साइन, कॉस, टैन, तीन अगर हम निकाल लेते हैं, तीन क्या प्यारे बच्चों, अगर हम दो निकाल सकते हैं, साइन कॉस निकाल लीजिए, तो शेष जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उन अनुपातों को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, जीरो जीरो से लेकर के आप गिनती लिखेंगे, जीरो वन टू थ्री और फोर, जीरो से चार तक हम गिनती लिखते हैं। तो जीरो से चार तक हमने अंक लिया। अब जीरो से चार तक अंक लेने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप जो इसमें लास्ट वाला जो अंक दिख रहा है, लास्ट वाला जो आपको अंक दिख रहा है वो है चार। आप चार से पूरे पूरे मानों में आप भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो चार से सब में भाग दे देंगे। तो चार से यहां दे दिया, चार से यहां दे दिया, चार से इसमें दे दिया और चार से इसमें दे दिया। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है कि क्या ये मान कहीं पर कट रहे हैं, तो आपको ये चीज देखना है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या से यदि हम जीरो में भाग देंगे तो उसका मान जीरो ही होगा। तो चार का जीरो में भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। एक और चार कोई कट नहीं रहा, उतार लेंगे ऐसे ही। अब दो एक कम दो हो जाएगा, दो दूना चार हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे एक बटा दो, तो एक बटा दो उतार लिया हमने। फिर तीन बटा चार भी नहीं कट रहा है, इसको उतार लिया। चार से चार कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया। अब जो मान आपको मिले हैं उन्हीं मानों का आप वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका जीरो का वर्गमूल तो जीरो ही होता है, तो आपने जीरो का वर्गमूल जीरो लिख दिया। एक का वर्गमूल प्यारे बच्चों एक ही होता है, तो एक कर दिया। लेकिन चार का वर्गमूल लेंगे तो मैं इधर बता दे रहा हूं क्योंकि कोई बच्चा होता है कम समझ पाता है। तो चार का वर्गमूल मतलब दो दूना चार, तो दो का जोड़ा बन रहा था, इसमें से दो निकाल लेंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चों चार का वर्गमूल लेंगे तो ये चार का वर्गमूल है, तो चार का वर्गमूल इस तरीके से मैंने तोड़ के निकाला तो चार का वर्गमूल आया दो। अब एक का वर्गमूल मैंने बता दिया एक ही होगा। अब दो का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो इसको आप रूट में लिख दीजिए, तो वन अपान रूट टू हो जाएगा। उसके बाद तीन का भी नहीं निकलेगा रूट, तो यहाँ पे रूट थ्री कर दीजिए। तो चार का आपने निकाला है तो चार का वर्गमूल दो होगा। एक का वर्गमूल कितना होगा प्यारे बच्चों, एक ही होगा। तो अगर हम अभी देखें इस किसका मान है, तो सबसे पहले आप रेशियो में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान जो होता है वो होता है साइन के लिए, तो साइन के लिए सबसे पहली वैल्यू जीरो अंश होती है, फिर उसके बाद 30 अंश की होगी, फिर 45 अंश की होगी, फिर 60 अंश की होगी, फिर 90 अंश का है। तो आप देखेंगे कि साइन जीरो अंश का जो मान दिख रहा है वो जीरो ही होगा। अब साइन 30 अंश का मान एक बटा दो हो जाएगा, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान एक हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट लिख दीजिए, पीछे से आगे आ जाइए तो आपका कॉस बन जाएगा। तो अगर हमको कॉस के लिए निकालना है तो पीछे वाली संख्या उठा के आगे रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, एक को लिखता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ √3/2, फिर उसके बाद देखिए ये बीच में है, मिडिल में है, तो ये बीच में ही रहेगा।
आप 1/√2 लिख दीजिए, फिर इसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम साइन के मानों का उल्टा क्रम कर दें तो वो कास में हो जाते हैं। अब कास में अगर हम मान ज्ञात करें तो कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अकास 30 का मान √3/2 हो जाएगा, अकास 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, अकास 60 की वैल्यू 1/2 और कास 90 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें साइन और कास के मान मिल गए। साइन का अपोजिट कर देंगे, साइन का इनवर्स कर देंगे तो हमें कोशेक मिल जाएगा, कास का अपोजिट कर देंगे, कास का इनवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो सेक कोशेक तो बड़े आसानी से निकल आएंगे। बात फंस जाती है प्यारे बच्चों टेन की, तो हमारे बच्चे जानते हैं कि मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बताया है कि बेसिक फार्मूला क्या होता है, जो स्लोप होती है, जो ढाल होती है, जो प्रवणता होती है, वो होती है हमेशा टेन थीटा, अर्थात यम बराबर टेन थीटा प्यारे बच्चों लिखते हैं तो लंब बटा आधार। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर हम टेन को सो करें तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों। अगर हम टेन 0 की वैल्यू निकालें तो साइन 0 अपान कॉस 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 की वैल्यू रख करके हम टेन 0 का मान निकाल सकते हैं। तो टेन 0 की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे कि टेन 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 अंश अपान कॉस 0 अंश हो जाएगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है ये आपने निकाला है, साइन 0 का मान तो 0 ही होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 1 में अर्थात हमें 1 से 0 में भाग देना है, तो आप 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 ही होगा, आप इसका मान लिखेंगे 0 लिख देंगे। तो टेन यहाँ पे हमें टेन के लिए टेन 0 अंश का मान कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 0 मिल गया। अब इसी तरीके से टेन 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 अंश रख दीजिएगा और बटा क्या रख देंगे, कास 30 अंश रख देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और कास 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 है, तो 1/2 और बटा √3/2 है, तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, बच रहा है 1/√3, तो 1/√3 ये किसकी वैल्यू हो गई, ये टेन 30 अंश की वैल्यू हो गई। तो टेन 30 अंश का मान अगर आपको मिल गया तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/√3, √3 हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर हमें निकालना है तो टेन 45 का निकालना है तो साइन 45 अंश अपॉन कास 45 अंश हो जाएगा। अब साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और कास 45 का मान 1/√2, दोनों सेम मान है, तो दोनों सेम मान को यदि हम रख करके यहाँ पे कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों मान बराबर है तो 1 मिल जाएगा। तो टेन 45 की वैल्यू हमें मिल गई 1, यहाँ 1 रख दिया। अब टेन 60 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टेन 60 अर्थात साइन 60 बटा कॉस 60 हो जाएगा, और इसका मान निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे 1/√3/2, तो साइन 60 का मान हो गया और 1/2 किसका मान हो गया, 1/2 हो गया कॉस 60 का मान, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3, तो टेन 60 का मान √3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमें टेन 90 अंश का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे मान साइन 90 अंश अब बटा कास 90 अंश। अब साइन 90 का मान तो आप जानती हैं कितना दिया है, साइन 90 का मान दिया है 1 दिया है, तो यहाँ 1 कर देंगे। अब कास 90 का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 से यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है, इसलिए यह संख्या परिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगी, अपरिभाषित जिसे कहते हैं अद्वितीय हो जाएगी, इनफाइनाइट अनंत तक हो जाएगा, तो इसको हम इनफाइनाइट कर देते हैं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमें कास टेन और साइन तीन मान मिल चुके हैं। अगर आप साइन वाले का अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, पीछे से आगे नहीं करना है, उसको उल्टा करना है, यदि हम उसका उल्टा कर देते हैं तो हमें कोशेक मिल जाएगा। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, कास का अपोजिट कर दें, तो हमें सेक मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप टेन का अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कॉट मिल जाएगा। तो अगर मुझे निकालना यहाँ पे है कॉट का, तो मैं आपको कॉट का दिखा दे रहा हूं,
आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। या आप कह सकते हैं कि ये आगे कर दीजिए, सेम कंडीशन इसमें कर सकते हैं, ये वाला आगे कर दीजिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसको लिख दीजिए, क्योंकि इसका भी अपोजिट करोगे तो रूट थ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद एक का अपोजिट करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक ही आएगा, एक का उल्टा एक। उसके बाद इसका जब अपोजिट करेंगे, क्योंकि किसका करना है, देखिए हमने इसको उल्टा कर दिया है, अगर इसका अपोजिट करेंगे ये आएगा, इसका अपोजिट करेंगे ये आएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो वन बाई रूट थ्री आएगा। इनफाइनाइट का अपोजिट करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाता है? जीरो। जीरो से इनफाइनाइट, इसका मतलब है जीरो, तो यहां पे हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हमें कॉट की वैल्यू मिल गई। अगर प्यारे बच्चों हमें निकालना है सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टा का मतलब होता है कि अंश बटा हर के रूप में भिन्न को उल्टा कर देना है। अब जैसे कास का अगर एक का उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक ही आएगा। इसका उल्टा करोगे दो बाई रूट थ्री हो जाएगा, तो एक का उल्टा अगर हम कर रहे हैं तो एक ही आएगा। अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका उल्टा करते हैं प्यारे बच्चों, तो रूट टू ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। इसका उल्टा करते हैं प्यारे बच्चों, तो दो हो जाएगा। और जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो अब बटा वन हो जाएगा। जीरो बटा वन का मतलब होता है वन। वन से एक से जीरो में भाग देते हैं, तो जीरो का उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो का उल्टा करते हैं, सॉरी जीरो ही होगा। यहां पे हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। इनफाइनाइट नहीं, जीरो होगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है? कासिक का निकालना है। तो कासिक का जब हम निकालेंगे तो कासिक का क्या मिलेगा भाई? साइन का उल्टा करना है, तो साइन का उल्टा कैसे करेंगे? तो जीरो का उल्टा जीरो ही होगा, तो यहां पर मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों? एक बटा दो है तो दो हो जाएगा, या इसी चीज को उल्टा लिख दीजिए तो आपको कोशेक मिल जाएगा। उसके बाद ये चीज आपका जो है इसका उल्टा करेंगे, आप देख लीजिए इसका उल्टा करोगे तो रूट टू ही मिलेगा। आप किसका उल्टा कर रहे हैं? साइन का उल्टा कर रहे हैं। इसका उल्टा आपने किया तो दो मिल गया, इसका उल्टा किया तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों तो दो बटा रूट थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा दो बटा रूट थ्री हो जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या? एक, एक का उल्टा करते हैं तो एक ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोणों की सारणियों को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ये है कोणों की सारणी को ज्ञात करना। इस तरीके से हम किसी भी इस तरीके से हम लोग छयों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इजीली तरीके से। प्यारे बच्चों, कोणों की सारणी के माध्यम से हम लोग किसी भी सरलसमिका को, किसी भी आइडेंटिटी को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइडेंटिटियां कोई भी हो, कोणों के मानों को रख करके उसको हम निकाल सकते हैं, उनके एलएचएस आरएचएस बराबर दिखा सकते हैं, और एलएचएस आरएचएस जो होते हैं उन्हीं को बराबर करके दिखाने की जो क्रियाएं होती हैं वो आइडेंटिटी प्रूफ होती है, या आइडेंटिटी सिद्ध करना होता है। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो आइडेंटिटियां हैं तीन। तीन आइडेंटिटी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, बेसिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम लोग। आइडेंटिटियां तो प्यारे बच्चों बहुत सी हैं, सरसमिकाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीन बेसिक और इम्पोर्टेंट सरसमिकाएं हैं उनके विषय में अगर हम चर्चा करें तो पहली आइडेंटिटी होती है, पहली सरसमिका रखते हैं प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। कभी कभी बच्चे हमारे इसको प्रूफ करते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, कहते हैं कि ये सिद्ध करके बताओ क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। तो कभी कभी प्यारे बच्चों आप लोग रख देते हैं भुजाओं के मानों से, कहते हैं कि लाल बटा कक्का होता ही है, उसके माध्यम से हम लोग साइन कॉस की वैल्यू करके यहाँ पे एक प्रूफ कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको हल करके दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों वो अपनी जगह होता है, सिद्ध करने के कई तरीके होते हैं, क्योंकि सवाल एक नियम से डिपेंड नहीं होता है, उस पर कई नियमों का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोणों का प्रयोग करके बच्चों इस आइडेंटिटी को प्रूफ करके सीखें तो यह आइडेंटिटी बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे कि आपको भाई जीरो से लेकर के, जीरो है तीस है, आप तीस जीरो तीस साठ और नब्बे और पैंतालीस, प्यारे बच्चों जीरो तीस पैंतालीस साठ और नब्बे, इन पांचों मानों में से जिस मान को आप रखेंगे उससे ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये आपके ऊपर है, आप जीरो रखेंगे कि तीस अंश रखेंगे, पैंतालीस अंश रखेंगे, या साठ अंश रखेंगे, या नब्बे अंश रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आपको कौन सा मान रखना है। तो आपको जो मान समझ में आए वो मान यहां रख करके आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले आपको जीरो मान ही लेकर के सिद्ध करते हैं कि थीटा की वैल्यू मैंने जीरो अंश ले ली। अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो अंश लेता हूं तो आपको कोणों की सारणी याद होनी चाहिए। तो हम यहां पे करते क्या है प्यारे बच्चों की साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर जीरो अंश कर देते हैं। थीटा की जगह पर हमने जीरो रख दिया और प्लस कॉस स्क्वायर यहां पे भी जीरो अंश रख दिया क्योंकि हमें एलएचएस को आरएचएस में बदलना है प्रूफ करना है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया कि साइन स्क्वायर जीरो अंश प्लस कॉस स्क्वायर जीरो अंश इसके मान को हल करके हमें एलएचएस को आरएचएस में परिवर्तित करना है एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है। तो यहां पे साइन जीरो की वैल्यू अब हमें याद होनी चाहिए कि साइन जीरो का मान कितना होता है प्यारे बच्चों तो साइन जीरो का मान जीरो ही होता है। अभी मैंने इसके पहले सारणी में आपको बताया तो साइन जीरो का मान तो जीरो होता है तो जीरो का स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस यहां पे कास स्क्वायर जीरो अंश है तो कास जीरो की वैल्यू एक होती है तो मैंने एक का स्क्वायर कर दिया। तो प्यारे बच्चों आप ही बताइए कि जीरो की वैल्यू कितनी होगी जीरो और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। इसका मतलब है कि जीरो में अगर हम एक ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू एक ही होगी। तो यहाँ पे हमें प्रूफ मिला कि नहीं मिला आरएचएस हमारा क्या आया एक आया तो यही हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी सही है कि नहीं सही है। यह आइडेंटिटी सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब अगर हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों और दूसरी आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। हम आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं त्रिकोणमितीय का परिचय जो चैप्टर अपना आपने पढ़ा आपने वीडियो में देखा मैंने आपको कहीं पर जिक्र किया था प्यारे बच्चों कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ा सकता हूं इस चैप्टर को। वह स्टैंडर्ड लेवल आइडेंटिटियां ही होती हैं। सरसमीकरणों के माध्यम से आप किसी भी छोटी सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे वहां पे हमने लंब आधार और करंट का प्रयोग करके आपको सवाल बताया था उसी तरीके से आप इस आइडेंटिटी के माध्यम से उन्हीं सवालों को लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा पड़ता है एक दो स्टेप बढ़ जाता है लेकिन ये बहुत ही इजी होता है। उससे भी अगर आप देखेंगे अगर आपको आने लगेगा तो उससे भी जो आपने पढ़ा उससे भी ये इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी को इसमें भी वही चीज करना है इन पांचों कोणों में से एक कोण मान रख करके आप प्रूफ कर सकते हैं। जिस कोण का मान आपको मालूम हो वो भी कर सकते हैं यदि नहीं मालूम है तो आप कोणों की सारणी को देख करके आप इसमें थीटा की वैल्यू आप 60 आंसर रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये सॉल्व आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि यह सरसमीकरण है कि नहीं है कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि ये सरसमीकरण है कि नहीं है। एक आइडेंटिटी और है प्यारे बच्चों उस आइडेंटिटी को भी आपको सॉल्व करना है। वो आइडेंटिटी होती है कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कार्ट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आप इस आइडेंटिटी को थीटा की वैल्यू 45 रख करके चेक कर लीजिएगा क्या यह सरसमीकरण है कि नहीं है। इसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा कि यह सरसमीकरण है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों तीन इजी और जो बेसिक आइडेंटिटियां हैं उनको आप प्रूफ कर सकते हैं। भुजाओं के माध्यम से भी प्रूफ कर सकते हैं जैसे इसको प्यारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्रूफ करते हैं शुरुआती दौर में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं स्टार्ट में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है तो वहां पे प्यारे बच्चों बता दिया जाता है कि कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। इस तरीके से हल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है पाइथागोरस प्रमेय कहीं से बना करके आप इसको रख लेते हैं तो कहीं कहीं पर भुजाएं कट जाती हैं तो उसके बराबर एक आ जाता है। तो ये सब जो तरीके हैं ये आप आइडेंटिटी से प्रूफ करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होता है आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड लेवल होते हैं। ये बड़ी कक्षाओं के स्टूडेंट या आगे की कक्षाओं में जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इस तरीके से किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करके सीखा जाता है और बताया जाता है कोणों के माध्यम से।